इस वीडियो में मैं आपको गूगल ऑथेंटिकेटर के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाकर अपने किसी भी अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं और हैकर से उनको बचा सकते हैं। कोई भी बंदा आपका अकाउंट हैक नहीं कर सकता। मैं यहां पर सिद्रा चैन पर टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाऊंगा। आप चाहे तो फेसबुक, जीमेल या किसी भी अकाउंट पर इसी तरीके से टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च बार में लिखना है ऑथेंटिकेटर। ठीक है, जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर आपने इसको डाउनलोड करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 मिलियन डाउनलोड्स है। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। मैं जस्ट इसको यहाँ से ओपन करूंगा। पहली बार ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, तो आपने यहाँ से गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जीमेल आएगा, तो आपने वही जीमेल यहाँ पर सेलेक्ट करना है जिसका पासवर्ड और ईमेल आपको याद हो। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप किसी भी अकाउंट को ओपन करेंगे तो आपको ये ऑथेंटिकेटर का कोड जरूर चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना जीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, एड अ कोड या चेंज अकाउंट। चेंज अकाउंट अगर आप अपना जीमेल अकाउंट चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एड अ कोड पर क्लिक करके आप कोड एंटर करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बैक आते हैं, यहाँ पर सिद्रा चैन हमारे पास ये है, इसको ओपन करते हैं। इसके बाद ये केवाईसी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं टू स्टेप ऑथेंटिकेटर या टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले इसको यहाँ से ऑन करेंगे। इसके बाद एड ऑथेंटिकेटर ऐप, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक तो QR कोड है जिसे आप ऑथेंटिकेटर ऐप में स्कैन कर सकते हैं, दूसरी यहाँ पर कुछ कीज है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएंगे। वापस बैक आते हैं और ऑथेंटिकेटर ऐप को ओपन करते हैं। एड कोड पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर QR कोड से आप स्कैन करके यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं या इंटर सेटअप की, हमने की कॉपी की है तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस जीमेल में या इस ऑथेंटिकेटर ऐप में आपने मुख्तलिफ अकाउंट्स ऐड की होगी, जैसे कि आपने फेसबुक की टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन की होगी, मुख्तलिफ एप्लीकेशन है, तो हर एप्लीकेशन का यहाँ पर नाम लिखिए क्योंकि आपको बाद में पता होगा। तो मैं चूंकि सिद्रा चैन का करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सिद्रा चैन। इसके बाद यूअर कीज, तो यहाँ पर मैं कीज एंटर करूंगा और इसके बाद मैं ऐड पर क्लिक करूंगा। ऐड पर मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास ये कुछ टाइमर चल रहा है, कुछ ही सेकंड के टाइमर होंगे और हर बार ये टाइमर चेंज होते हैं, ये कोड चेंज होता है। तो जब भी मैं अपना अकाउंट लॉग इन करूंगा, चाहे मेरे पास जीमेल पासवर्ड है या नहीं है, तो मुझे ये कोड चाहिए होंगे, लेकिन फिलहाल मेरी सेटअप नहीं हुई। तो क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड यही पासवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑथेंटिकेटर पर आता हूँ। टाइमर जैसे ही खत्म होगा, दोबारा जैसे ही शुरू होता है, तो मैं यहाँ पर उंगली दबा करके क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। वापस बैक आता हूँ, यहाँ पर पहले मैं उंगली दबा करके पेस्ट पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर टू स्टेप ऑथेंटिकेटर इनेबल सक्सेसफुली, इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे और इसी तरीके से आपकी टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुकी है। अगर आपकी इस ऐप की ईमेल पासवर्ड किसी को याद भी होगा ना, वो जब भी लॉगिन करने के लिए ट्राई करेगा तो उसको टू स्टेप वेरिफिकेशन एंटर करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको ये अपना जो जीमेल है आपने ऐड किया था ना, ये जीमेल भी आपने सिक्योर रखना है, इसका पासवर्ड भी किसी को पता नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मजीद इस तरह की अच्छी और मालूमती वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल रहीम खान YT सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।